आप में से मैक्सिमम लोग होंगे फ्लिपकार्ट वाउचर्स होगा आपके पास, बट क्या है ना कि आप में से मैक्सिमम लोग जो हैं वो फ्लिपकार्ट्स में जो उनके पास गिफ्ट कार्ड होता है उसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट में, साथ ही साथ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने फ़ोनपे में। तो यार सिंपल सा प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो यार नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन था एम रिवॉर्ड, इससे गाइस हमने बहुत सारा रिवॉर्ड लिया है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड करके फ़ायदा कमा सकते हो, 25% का एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा। तो कुछ दिन पहले यहाँ पर गाइस मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर हमने फ्लिपकार्ट का 25 रुपये का वाउचर लिया था। अब ये पैसा हमें ट्रांसफ़र करना है अपने बैंक में, फ़ोनपे में, पेटीएम में। तो प्रोसीजर क्या होगा, अगर आप भी अपने फ्लिपकार्ट का पैसा जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने बैंक, फ़ोनपे, पेटीएम या फिर यूपीआई के थ्रू, तो ये वीडियो आप पूरा देख लेना, आखिरी तक देख लेना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमने गाइस क्या है ना, इस कोड को, इस जो रिडीम कोड को हमने कॉपी कर लिया है फ्लिपकार्ट्स के। अब यहाँ पर इस वाउचर को सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, पूरा वीडियो पूरा आखिरी तक देख लेना, लाइक करना, वीडियो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो ताकि आपको सारे अपडेट्स यहाँ पर मिलते रहे फ्री का। गाइस यहाँ पर आपको रिडीम कोड भी, डायमंड्स भी गिवे होता रहता है। स्क्रीन पर आपको कुछ रिडीम कोड शो होंगे, उन रिडीम कोड को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर लेना है तो उसके 4 डिजिट को मैं जो है दे दूंगा अपने इस टेलीग्राम पर, जिससे कि गाइस आसान तरीके से ना इसे आप ले सको, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, देखो मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ, अगर आपकी फ्लिपकार्ट में पैसे फंसे हैं उसे ट्रांसफर करना चाहते हो वीडियो पूरा देख लेना। सबसे पहले यार क्रोम ब्राउजर पर जाएंगे, यहाँ पर आप सर्च करेंगे, लिखेंगे फ्लिपकार्ट, ठीक है। फ्लिपकार्ट यहाँ पर लिखने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर अपना अकाउंट बना लेना है, वैसे अकाउंट बना होगा तभी आपके अकाउंट में बैलेंस है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा प्रोसीजर बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप, पूरा वीडियो पूरा देखना, थोड़ा स्लो नेटवर्क है गाइज, बट यार पूरी चीज़ें समझ जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो गाइज देखो यार फ्लिपकार्ट का जो सीजन है अभी चल रहा है, देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर हम शायद ऑलरेडी लॉगिन है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। यहां पर अगर आप लॉगिन नहीं है तो लॉगिन हो जाइएगा अपने अकाउंट से। सो यहां पर ये माय अकाउंट से यहां पर ऑप्शन आपका इनेबल हो जाएगा, अगर आप लॉगिन होगे ना तो वो ऑप्शन यहां पर दिख जाएगा कि हाँ आप लॉगिन है या फिर नहीं है, ठीक है। तो गाइस यहां पर देखो माय ऑर्डर से, माय विशलिस्ट है, माय कार्ड एंड वॉलेट है, माय रिव्यू है ना, ये सारे ऑप्शन है, माय आंसर एड्रेस, ये सारी चीजें गाइस इसके अंदर दी गई हैं। तो मैं यहाँ पर इसे बैक करता हूँ, एंड बैक करने के बाद फिर से यहाँ पर मैं 3 डॉट पे क्लिक करूँगा, एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या ऑप्शंस हैं गाइस, माय ऑर्डर, माय रिवॉर्ड्स हैं, तमाम चीज़ें जो कि यहाँ पर देख लीजिए, माय लिस्ट, माय अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो माय रिवॉर्ड सेक्शन में मैं चलता हूँ, एक बार चल लेता हूँ, एंड चलने के बाद गाइस अभी यहाँ पर हम अपना कोड को यहाँ पर देखो ऐड कूपन पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। एंड ऐड कूपन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर उस कोड को पेस्ट करूँगा एंड ऐड कूपन में क्लिक करूँगा, ठीक है गाइज। सो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा कट कर दूँगा, जो कूपन कोड था वो जेन्युइन होना चाहिए, एंड ऐड पे मैं क्लिक करूँगा, द कोड यू हैव एंटर इनवैलिड यहाँ पर दिखा रहा है, ये कोड नहीं है गाइज, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको नज़र आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो अभी यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर सेल है, ऑन फ्लिपकार्ट, माई ऑर्डर, माई रिवॉर्ड्स, अकाउंट, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो यहीं पर अभी अब कोड का ऑप्शन आता है गाइस, कोड का, ठीक है। एंड चलिए यहाँ पर मैं वॉलेट में माय कार्ड एंड पे लेटर, ये सारे ऑप्शन इनेबल हो जाए उसके बाद, यहाँ पर ऑप्शन माय कार्ड एंड वॉलेट, वॉलेट वॉलेट वॉलेट, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है गाइस। एंड क्लिक करने के बाद गिफ्ट कार्ड पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड भी इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर इस तरह क्लिक करना है, और यहाँ पर जो कोड था गाइस, कार्ड का एक पिन नंबर होता है जो जनरेट किया जाता है इसी के थ्रू, तो यहाँ पर क्लिक कर, सॉरी यहाँ पर मैं फिर से जाऊँगा, इस पर कॉपी करूँगा, एंड अब आने के बाद यहाँ पर मैं इसे कट करूँगा, ठीक है। इस वीडियो पूरा देखना, ठीक, पूरा पूरा देखना, स्क्रीन पर आप देखते जाइए सब कुछ दिखेगा। यहाँ पर क्लिक करूँगा, एंड उसके बाद यार एक पिन नंबर होता है, शायद पिन नंबर कौन सा है मुझे नहीं पता फिलहाल, अप्लाई करेंगे देख लेता हूँ क्या बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पिन नंबर वो इनकरेक्ट दिखा रहा है गाइज, तो पिन नंबर आपको सही डालना, पहले मिल गया था मुझे पिन नंबर, पिन नंबर जो है गाइज वो 15 33 17 है, 15 33 17, तो गाइज आपको याद रखना है 15 33 17, ठीक है। अब यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद गाइज देखो गिफ्ट कार्ड एडेड सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर देखो गाइज कुछ इस तरह का ऑप्शन यहाँ पर नज़र आएगा, अब ये 25 रुपये जो हैं वो हमारे कार्ड में यहाँ पर हो चुके हैं, और ये जो एक्सपायर होगा कार्ड गाइज वो होगा जून 15 2023 को, ठीक है। अब देखो यार गिफ्ट कार्ड तो हमने ऐड कर लिया, अब बात आती है कि इसे आपको ट्रांसफ़र करना है अपने अकाउंट में,
ठीक है। तो उसके लिए आपको बैक जाना पड़ेगा। बैक जाने के बाद गाइज आपको यहाँ पर देखो कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। एंड फिर से आपको बैक जाना है, ठीक है। एंड बैक जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार पे एक बार सर्च पे क्लिक करना है गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड। सो गाइज यहाँ पर देखो गूगल प्ले, ठीक है। एंड उसके बाद गिफ्ट कार्ड पर आपको सर्च करना है, देख लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना, लंबी वीडियो हो जाएगी बट देख लेना, ठीक है, पूरी तरह से। तो यहाँ पर आप नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपको 10 रुपये वाले देख लेना, अगर 10 रुपये मिल जाता है 10 रुपये वाला तो ज़्यादा ही बेहतर होगा क्योंकि 10 वाला मुझे आसान लगेगा, ठीक है गाइज़। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। एंड 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 यहाँ पर देखो 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 यहाँ पर गाइज अगर 10 रुपये वाला मिल जाता है तो ठीक है। तो फिलहाल अभी 10 रुपये वाला तो इनेबल नहीं है। तो आपको क्या क्या करना है गाइज़ कि जब आपके अकाउंट में 99 रुपीज़ हो जाते हैं ना, 99, तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको इसे बाई कर लेना। देखो यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मतलब कि 100 रुपये भी कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 1500 रुपये तक का बाई कर सकते हो, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपका यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस यहाँ से भी बाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, और भी ऑप्शन अगर नज़र आ जाए तो देख लीजिए, 7000 का है तो यहाँ पर बाई ना वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको रिसिप्ट नेम लिखना है, आप कहाँ पर इसे रिसिप्ट करना चाहते हैं, आपका ईमेल एड्रेस, जिस ईमेल एड्रेस पे आप इसे लेना चाहते हो, ठीक है। आपको यहाँ पर कंफर्म फिर से ईमेल एड्रेस आपको टाइप करना है, सो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया। यहाँ पर आपको मैसेज लिखा फ्रॉम फ्लिपकार्ट लिख देना है, ठीक है। एंड उसके बाद गाइज देखो आप नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद गाइज अब आपको यहाँ पर देखो क्या करना है कि यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इनवॉइस ईमेल आईडी आपको डाल देनी है। तो जो भी ईमेल आईडी आप डालिएगा तो आपको याद रहना चाहिए, सेव कर देना है। एंड सेव करने के बाद गाइज यहाँ पर नेक्स्ट पे ऑप्शन पर जाएगा, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर आपको यार गाइज ये रिडायरेक्ट करेगा आपके बाउचर्स पे, तो आपको बाउचर वहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो इसे बाई करने के लिए आप यहाँ पर नेट पे जाएंगे, फ्लिपकार्ट लेटर, यहाँ पर आपको गिफ्ट कार्ड पे जाना है, ठीक है। अभी अनअवेलेबल दिखा रहा है बट जब इनेबल हो जाएगा ना तो यहाँ पर गिफ्ट कार्ड बाउचर पे दिखा शो करना है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद गाइज आप यहाँ पर क्या करेंगे कि उस रिडीम कोड को उसी से परचेज करेंगे, किससे, अपने गिफ्ट कार्ड बाउचर से, ठीक है, अपने गिफ्ट कार्ड बाउचर से परचेज करेंगे। उसके बाद आसान तरीके से ना इस पैसे को आप क्या करेंगे, यहाँ से आपका कोड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। कोड जनरेट होने के बाद दोस्तों आपको जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है, मैं क्या सर्च करना है आपको वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ से आपको कोड बना लेना है। कोड बनाने के बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको टेक्निकल संजू जी लिखना है। एंड उसके बाद ये अपना एप्लीकेशन आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसे डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन की जो लिंक हो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। डाउनलोड करने के बाद गाइस सीधा ओपन कर लेना है और अपने ईमेल आईडी से इसमें इसके अंदर लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करोगे बहुत आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। एंड उसके बाद यहाँ पर गूगल पे फ़ोनपे जो भी सेलेक्ट करना चाहते हो सेलेक्ट कर लेना, और आपने 100 रुपीज़ का करा था या फिर 99 का, तो जो भी करना है यहाँ पर 100 रुपीज़ सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर अपना नेम डाल दीजिए, जो भी आपका नेम है, और यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर जो भी आपका है, और सबमिट कर दीजिएगा। एंड उसके बाद कन्वर्ट वाले बटन पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप अपने अकाउंट से जो आपने गूगल प्ले स्टोर का जो कोड बनाया था उसे आप अपने कोड को वहां पे कोड में रिडीम कर लेंगे। उसके बाद यहां से गाइज आप आसान तरीके से रिडीम कर सकते हैं। उसके बाद यहां से आपका जो गूगल रिडीम कोड है वो कन्वर्ट हो जाएगा पैसों में, और आसान तरीके से गाइज आप आसान तरीके जितना भी पैसा हो उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने फ़ोन पे गूगल पे आराम से, ठीक है। ये फ्लिपकार्ट का कुछ सेक्शन था जो कि आपको यार जानना था। फ्लिपकार्ट का पैसा जो है वो इतने आसानी से आपको नहीं मिलेगा, बट ये जो मैंने टोटली प्रोसीजर बताया है इन प्रोसीजर को आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको पैसा आपको मिलेगा, ठीक है गाइस। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का दिन सुबह। थैंक यू।